साथियों, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है UPPCS, उसी के लिए हम लेकर आए हैं ध्येय IAS की बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। आपको बता दें, ध्येय IAS की आज की हमारी ये पहली टेस्ट सीरीज है और इस टेस्ट सीरीज में साथियों फुल जीएस टेस्ट है, यानी कि जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में हर एक टॉपिक से टच जो क्वेश्चन होते हैं, हर एक टॉपिक से टच करके सारे के सारे क्वेश्चन को रखा गया है और इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को रखा गया है। जितने भी क्वेश्चन हैं, पूरे के पूरे 150 प्रश्न हैं इस टेस्ट सीरीज में। जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी तरीके से इसमें भी 150 प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्नों को रखा गया है जिनकी आने की संभावना अधिक से अधिक है। जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं, उन्हीं के बेस पर, उन्हीं के आधार पर ये तैयार किया गया है किस तरह से प्रश्न अब तक पूछे गए हैं और उन्हीं के आधार पर नए प्रश्नों को बनाया गया है, किस तरह के प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी अधिक से अधिक है। तो साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। ध्येय IAS के टेस्ट सीरीज के बारे में आपको पता होगा कितनी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज होती है। अगर आप ध्येय IAS, दृष्टि IAS जैसी ये सब बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इनका टेस्ट सीरीज, घटना चक्र, ये सब जैसी टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो आप लोग साथियों, इसको वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने आप को जाँचिए, परखिए हम कितने पानी में हैं। जो UPPCS का एग्ज़ाम या RO का देने जा रहे हैं, उसमें हम कहाँ अपने आप को पाते हैं। तो एक बार इस पर अपने आप को मंथन जरूर करिएगा, अपने आप को कसौटी पर रख कर खुद जाँचिए, तब जाकर थोड़ा सा अपने आप को पाइए हम कहाँ हैं। तो चलिए, बिना समय गवाए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। साथियों, बहुत बढ़िया, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न, ये कानपुर संयंत्र केस से संबंधित पहला प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कानपुर षडयंत्र केस जो 1924 में हुआ था, तो उसमें सज़ा नहीं हुई थी। यानी चार नाम यहाँ दिया गया है, उनमें से एक नाम बताना है जिसे कानपुर षडयंत्र केस में सज़ा नहीं हुई थी। तो आपको बता दें साथियों, ये कम्युनिस्ट नेता थे, ये जो कानपुर षडयंत्र केस था, इनमें जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, उन पर मुकदमा चला के उनको जेल भेजा गया था। तो इनमें जो है सब पर मुकदमा चला गया था, लेकिन ये जो मानवेंद्र नाथ राय है, यानी जिसे MN राय बोला जाता है, तो इन्हीं को, इन पर मुकदमा चला था, लेकिन इनको जेल नहीं हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, यानी इनको जेल नहीं हुई थी और बाकी सभी को जेल हुआ था। तो बहुत बढ़िया, यही जो है कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं, मानवेंद्र नाथ राय। आगे हम लोग चलें, बढ़िया प्रश्न, एक से बढ़कर एक प्रश्न है साथियों। हम सारे प्रश्नों को इस तरीके से देखेंगे, थोड़ा सा आप समय देंगे तो आपको प्रोडक्टिविटी चार गुना मिलेगा। तो हर विकल्प पर हम लोग मंथन करेंगे, जिससे आपकी सोचने समझने या तर्क वितर्क करने की शक्ति और बढ़े। तो देखें हम लोग दूसरे प्रश्न में क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार करके हमें बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। तो दो कथन है, इन्हीं को पढ़कर हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया है मेरे भाई कैबिनेट मिशन, जो 1946 में आया था, जिसके आधार पर संविधान सभा बनी थी, या तो आप जानते हैं। तो कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया था। नहीं मेरे भाई, गलत है, ये पहला वाला गलत है। कैबिनेट मिशन ने जो मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग कर रही थी, उसको नहीं माना, तो जिसके कारण मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने घोषणा किया। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा पढ़ें, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के लिए आयोजित चुनाव में प्रतिभाग तो किया, परंतु संविधान सभा में शामिल होने से इनकार किया। जी मेरे भाई, ये बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग जब संविधान कैबिनेट मिशन का विरोध किया, तो वो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, लेकिन सरकार बनी तो वो सोचा कि हम सरकार में शामिल हो जाएंगे तो पाकिस्तान की मांग को जोर शोर से उठाएंगे, इसलिए संविधान सभा में शामिल नहीं हुई, लेकिन सरकार में शामिल हुई थी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सत्य है, केवल ये केवल दो कथन। बहुत बढ़िया, आगे चले हम लोग देखते हैं तीसरे वाले में। इसमें क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है कि भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो और यदि यह असंभव हो तो अराजकता के भंवर में छोड़ दो। तो कह रहा है भारत में अंग्रेजी सरकार के लिए यह कथन किसका है। तो आपको बता दें मेरे भाई, महात्मा गांधी जी ने हरिजन नामक एक पत्रिका निकाली थी, हरिजन, उसी में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को यह कहा था कि भारत को भगवान भरोसे छोड़ दो, यदि यह असंभव हो तो उसे अराजकता के भंवर में छोड़ दो। तो महात्मा गांधी जी ने यह कहा था। बहुत बढ़िया, आगे चले हम लोग देखते हैं क्या है।
चार में क्या है मेरे भाई, कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन। तो आपसे कभी पूछ सकता है रॉयल कमीशन किससे संबंधित था, तो आप लोग बता देना कृषि से संबंधित था। तो रॉयल कमीशन की स्थापना की गई थी, कब की गई थी मेरे भाई, 1928 में, ऑप्शन नंबर ए चौथा का। तो बढ़िया फैक्ट है ये, कई जगह पूछा गया है ये। आगे बढ़ते हम लोग पाँचवा में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं पर ध्यान जरूर दीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि ऐसे लोग ध्यान नहीं पर नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण वो आता हुआ प्रश्न भी गलत कर देते हैं। तो एक तरफ ब्रिगेड दिया है और दूसरी तरफ इस ब्रिगेड का नेतृत्व कौन कर रहा था उसका नाम दिया है। तो साथियों बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा मिसमैच है पाँचवा में। तो देखें, सुभाष ब्रिगेड जो था उसका नेतृत्व शाहनवाज खान कर रहे थे, नेहरू ब्रिगेड जो था उसका नेतृत्व ढिल्लो कर रहे थे, गांधी ब्रिगेड जो था तो उसका गुलजारा सिंह नहीं कर रहे थे मेरे भाई, यही गलत है, इनायत खान एक नाम था, इनायत खान। तो गांधी ब्रिगेड का नेतृत्व ये कर रहे थे, तो यानी तीसरा गलत है। तो हमसे गलत पूछा है, यही हमने बता दिया, यही गलत है, यही मिसमैच है। और रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व लक्ष्मी सहगल ने किया था। तो चले हम लोग अब अगले प्रश्न को देखते हैं छठवें में, एक से बढ़कर एक प्रश्न है साथियों। थोड़ा सा आप समय देंगे, आप बने रहेंगे, क्योंकि आजकल लोगों की पेशेंस कम होती जा रही है अच्छी चीज़ों को पसंद करने में, वो जो दिखावे की चीज़ें हैं आजकल लोग उसी पर भाग रहे हैं। तो देखें हम लोग 32 में छठवें में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1832 में दर्पण नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया गया। तो यह क्वेश्चन आपसे फैक्ट के रूप में भी पूछ सकता है कि दर्पण नामक पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, तो 1832 में हुआ। लेकिन इसमें बता दिया कि दर्पण नामक पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था 1832 में, तो उसका आरंभ किसके द्वारा किया गया। तो आपको बता दें मेरे भाई, ये बाल शास्त्री जांबेकर द्वारा किया गया था। दर्पण नामक साप्ताहिक पत्रिका का ये क्या था, इन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ ये पत्रिका निकाली थी, जो एक समाज में कुरीतियाँ थी हिंदू धर्म में सुधार के लिए, जो ब्राह्मणवाद का वर्चस्व था उसके खिलाफ इन्होंने यह दर्पण नामक पत्रिका निकाली थी। तो छठवें का उत्तर सी हो जाएगा, बाल शास्त्री जांबेकर के द्वारा 1832 में दर्पण नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। आगे बढ़े हम लोग सातवें में, देखें सातवें में क्या है, निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना। नीचे कुछ युद्ध दिए गए हैं साथियों, इन्हीं युद्धों को एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, इस तरीके से। तो आपको पता होगा आंग्ल मैसूर युद्ध में कुल चार युद्ध हुए थे। जो पहला युद्ध हुआ था वो 1766 से 1769 के बीच हुआ था, ये वाला प्रथम आंग्ल सिख जो युद्ध हुआ था मेरे भाई, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये 1845 में हुआ था। और ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, इसको बता दें कि ये 1775 में हुआ था। तो इस हिसाब से आप पता पा लेंगे सबसे पहले कौन हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे भाई कौन हुआ होगा, पहला एक, ये एक नंबर पे आना चाहिए, और ये वाला तीसरा वाला तीन नंबर पर जाना चाहिए, यानी एक एक ये पहले पर होना चाहिए और ये दूसरा सबसे अंत में होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा बन रहा है, ऑप्शन सी, यही हमारा उत्तर बन रहा है, पहले एक फिर तीन फिर दो, ये वाला। इस तरीके से हम लोग पर पता करेंगे। आगे देखें हम लोग क्या है, राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के विरोध के लिए किस पत्रिका का उपयोग किया गया था। तो आप लोगों को मालूम होगा राजा राम मोहन राय के समय में सती प्रथा एक बहुत बड़ी समस्या थी। आप लोगों को मालूम होगा, अगर आप लोग मंगल पांडे मूवी देखे होंगे आमिर खान का, तो उसमें सती प्रथा का वो एक छोटा सा सीन दिखाया गया है कि जब पहले क्या होता था, किसी आदमी कोई अगर व्यक्ति पुरुष मर जाता था तो उसकी चिता पर उसकी पत्नी को भी जिंदा लिटाया जाता था, यही थी सती प्रथा। तो सती प्रथा राजा राम मोहन राय के में जो है सती प्रथा के विरोध के लिए एक पत्रिका निकाले थे जिसका नाम था संवाद कौमुदी। ये तो मीरातुल अखबार भी राजा राम मोहन राय निकाले थे, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, लेकिन मीरातुल अखबार जो है अन्य सामाजिक मुद्दों पर था, और जबकि ये संवाद कौमुदी सती प्रथा के विरोध में था।
ऑप्शन नंबर सी ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ें नवे में, नवे में देखते हैं मेरे भाई क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, फिर नहीं पर ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित नहीं है यानी गलत सुमेलित दिया है। तो आप लोगों को मालूम होगा विषाणु यानी वायरस जो होते हैं अकोशिकीय होते हैं यानी नॉन सेलुलर होते हैं, ये तो बात सही है लेकिन हमें गलत बताना है। प्रियान, प्रियान एक तरह का मेरे भाई रोग है जो ट्रांसमिट करता है, एक संक्रामक रोग होता है, तो जो सिर्फ प्रोटीन होता है इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है, सिर्फ प्रोटीन होता है, तो यही गलत दिया है। प्रियान जो है में सिर्फ प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है, तो यही गलत है। जबकि जीवद्रव्य में सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, हमारे शेल के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब जीवद्रव्य होते हैं, और माइटोकांड्रिया जिसे हम लोग ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं जिसमें ATP का निर्माण होता है, तो सभी सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी केवल गलत है। आगे हम लोग बढ़ें दसवें में, दसवें में साथियों बहुत बढ़िया, यहाँ पर थोड़ा सा आपका समय लेंगे लेकिन बहुत कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से एक पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, तो आपको मालूम होगा जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें यही क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल के कारण वो हरे दिखाई देते हैं, उनकी पत्तियाँ हरी होती हैं, उनकी टहनियाँ हरी होती हैं। तो आपको बता दें कि सभी पौधों में यह क्लोरोफिल पाया जाता है लेकिन जीवाणु ये पैराजीवी और कवक इसमें छोड़कर और किसी भी जंतु में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है युगलीना को छोड़कर, यानी केवल युगलीना ही ऐसा है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। युगलीना एक प्रकार का जंतु है, मैमल्स, तो युगलीना में पाया जाता है और इन सभी में कवक में भी नहीं पाया जाता, जीवाणु में भी नहीं पाया जाता, इसमें भी नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा हमारा। आगे बढ़े हम 11 में, प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है, तो ये एकदम फैक्ट क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आमाशय यानी स्टोमक से होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से होता है। आगे देखें हम लोग 12 में, साथियों आप लोग बने रहिएगा, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए अच्छी चीज़ों को समझने में सीखने में। क्या है रुधिर प्लेटलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, यानी रुधिर जो प्लेटलेट्स होता है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है इन चारों में से, उसी को बताना है। तो जो व्यक्ति कभी डेंगू से पीड़ित हुआ होगा ये रुधिर प्लेटलेट्स को जानता होगा, तो यही रुधिर प्लेटलेट्स जो होते हैं मेरे भाई इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, बिल्कुल सही, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यह इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। अगला पढ़ें, यह सभी मनुष्यों जंतुओं में पाया जाता है, तो मेरे भाई नहीं, यह केवल मनुष्यों में पाया जाता है, अन्य जंतुओं में नहीं पाया जाता है, तो यही हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा। जबकि सब सही है, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, इसमें केंद्रक अनुपस्थित यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है, या रुधिर का थक्का जमाने मदद करती है, आप लोग देखते होंगे जिसका कम हो जाता है प्लेटलेट्स उसके नाखून वगैरह से जो है वो ब्लड आना शुरू हो जाते हैं, और अगर कहीं कट जाएगा तो ब्लड रुकेगा ही नहीं, सारा ब्लड बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यही हमारा उत्तर सही है, क्यों सही है कि यह केवल मनुष्य में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ें हम लोग 12 में 13 में देखते हैं, देखें कथन कारण वाला सवाल है, बहुत बढ़िया ऐसे सवाल होते हैं, आपका जो UPPCS के एग्ज़ाम हो या RO ARO का ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं कथन कारण टाइप के। तो देखें दो ठो आपको कह रहा है, दो ठो कथन दिया है, एक कथन दिया है आपको, एक कथन दिया है और एक कारण दिया है, कह रहा है आप इसी कथन को कारण को अच्छे से पढ़ लीजिए और पढ़ कर सही उत्तर को ढूँढ लीजिए। तो पढ़िए आप लोग कथन को पहले, अनुच्छेद 126 तहत उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का मतलब मेरे भाई कोई मुख्य न्यायाधीश है काम पर, वो किसी वजह से उसका पद खाली हो गया, बीमार हो गया, कहीं चला गया, तो उसकी जगह पर काम करने के लिए किसी अन्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है, उसे कार्यकारी न्यायाधीश कहा जाता है। तो अनुच्छेद 126 के तहत जो है संविधान में प्रावधान है, तो ये तो बात सही है, बढ़िया बात है, तो मतलब सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कारण पढ़ें, कारण क्या कह रहा है कि
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंध में राष्ट्रपति को कानून मंत्री से सलाह लेने की आवश्यक है। नहीं मेरे भाई, राष्ट्रपति किसी से सलाह नहीं दे लेगा, वो जिसे चाहेगा कर देगा। तो ये कारण गलत है हमारा, यानी उत्तर हमारा सी हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है, तो ये वाला उत्तर हमारा हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखें हम लोग क्या कह रहा है, कौन सी भाषा हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों, हमारी 8वीं अनुसूची जब जोड़ी गई थी तो उसमें जो है साथियों कुल जो है 12 भाषाएं थी, कुल उसमें 12 भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं, सॉरी यहां पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, जब हमारी 8वीं अनुसूची जोड़ी गई थी तो उस समय उसमें कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान समय में कुल 22 भाषाएं हो चुकी हैं 8वीं अनुसूची में। तो कह रहा है उन 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित है, तो इसमें भोजपुरी भी नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं है, राजस्थानी भी नहीं है, तो नेपाली है। ऑप्शन नंबर सी 8वीं अनुसूची में दिए गए विकल्पों में से केवल नेपाली है और नहीं है। भोजपुरी की मांग बहुत ज़ोर शोर से उठाई जा रही है, अभी तक नहीं शामिल किया गया। अब नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू आ गए हैं, अब हो सकता है शामिल कर दें। अब देखें हम लोग 15वां, देखें 15वें में क्या कह रहा है साथियों। 15वां में दो ठो कथन दिया है, इन्हीं कथनों में पढ़कर बताइए कौन सा असत्य है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, असत्य को बताना है कौन सा कथन गलत है। बहुत बढ़िया प्रश्न है 15वां में, तो क्या कह रहा है, अनुच्छेद 265 के अंतर्गत कुछ टैक्स कार्यपालिकी या प्रशासकीय आदेशों द्वारा भी लगाए जाते हैं। नहीं मेरे भाई, अनर्थ हो जाएगा। टैक्स जो है वो एक कानूनी प्रावधान से ही लगाया जाएगा, कार्यपालिका प्रशासनिक आदेशों से नहीं लगाया जाता है, तो ये सरासर गलत हो ये वाला। तो और ये क्या है दूसरे में, ऐसे विषय जो न तो संघ सूची में सम्मिलित हैं और न ही राज्य सूची में, उन पर केंद्र सरकार टैक्स लगाता है, तो यस यही सही है। तो यानी दूसरा सही है, पहला गलत है, लेकिन हमसे पूछा है गलत को बताना है, तो गलत केवल एक है, ये दूसरा सत्य है, पहला गलत था, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। अब हम लोग 16 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, बढ़िया प्रश्न देखें। धन विधेयक के संबंध में असत्य कथन बताना है, यानी धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन दिए हुए कथनों में गलत है उसी को बताना है मेरे भाई। तो मनी बिल, जिसे इंग्लिश में धन विधेयक को मनी बिल कहा जाता है, यानी एमबी, तो और एक वित्तीय विधेयक होता है उसे हम लोग फाइनेंशियल बिल कहते हैं, उसे एफबी बोला जाता है, याद रखिएगा आप लोग, अभी काम आएगा। तो धन विधेयक में सिर्फ अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट विषय आते हैं, यस ये बात तो सही है, लेकिन हमें असत्य को बताना है। धन विधेयक में मेरे भाई, अनुच्छेद 110 में जो बातें कही गई हैं वही केवल धन विधेयक में आता है, बाकी नहीं। बी कह रहा है धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, यस ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, यस मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए, ये जैसे मान लीजिए वित्त विधेयक है, इसे हम लोग फाइनेंशियल बिल कहते हैं, और इसके अंदर रीजनिंग आप लोग पढ़े होंगे, यह मनी बिल होता है। सभी मनी बिल फाइनेंशियल बिल होते हैं, लेकिन सभी फाइनेंशियल मनी बिल नहीं होते हैं, तो याद रखिए वो लोग काम आएगा बहुत जगह। और डी वाला क्या कह रहा है, जब तीनों सही हो गए तो स्वाभाविक सी बात है डी वाला आंख मूंद कर हम लगा देंगे, यही हमारा गलत होगा, और हमसे गलत पूछा गया है, तो गलत हमारा उत्तर डी होगा। क्यों गलत है, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। नहीं मेरे भाई, गलत है, क्यों नहीं लौटा सकता, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति से ही पेश किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति कैसे लौटा देगा। आप अपने बच्चे को अनुमति दे दिए, कहाँ जाओ आप, कहीं बारात में जाना है, वो तैयार होके आया, फिर आप लाठी लेके खड़े हो गए नहीं जाना है, तो ये गलत है ना। तो यही बात है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही धन विधेयक पेश किया जाता है, इसलिए उसको पुनर्विचार के लिए वो लौटा नहीं सकता, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ गलत था। 17 देख ले हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार करके हमें सत्य कथन को बता देना है। पहला क्या है, राज्यों में विधान परिषद की स्थापना करना हो या उसका उन्मूलन करने का अधिकार 169 के अंतर्गत संसद को है, यस मेरे भाई सही बात है।
आप लोग को मालूम होगा हमारे जो है 28 राज्यों में, कुल 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। आप लोग को गिना दे नाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ये 3 हो गए, और 3 और साउथ के हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये 6 राज्यों में ये जो है विधान परिषद है। तो विधान परिषद की स्थापना करना हो जहाँ नहीं है, या जहाँ है उसका काम नहीं है तो उसको ख़त्म करना हो, तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्राप्त है। ये तो सही है, इसके लिए संसद को संविधान संशोधन की आवश्यकता होती नहीं मेरे भाई। वो विधानमंडल जहाँ बनाना या ख़त्म करना हो, वो 2/3 से बहुमत पारित कराकर संसद को दे देता है, संसद साधारण बहुमत से पारित करवा देता है, इसमें संविधान संशोधन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये गलत है हमारा। तो यहाँ पर केवल सत्य पूछा है, तो सत्य हमारा केवल ए होगा, 17 का उत्तर ए हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग 18 में, देखते हैं क्या है। एक से बढ़कर एक प्रश्न है साथियों, आप लोग थोड़ा सा बस कंसंट्रेशन बनाए रहें, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रहें, तो बहुत लाभ मिलेगा आपको। राष्ट्रपति शासन आपको मालूम होगा 356 के तहत लगाया जाता है, तो के विषय में असत्य कथन को बताना है। राष्ट्रपति शासन के विषय में असत्य को बताना है, कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, हम लोग पहले पढ़ना सीखेंगे, ऐसे सवाल इतने सरल होते हैं, देखने में केवल खतरनाक होते हैं, आपको वही गड़बड़ी करेगा जो आप जानते हैं। तो ये आप लोग पहला पढ़ा, ये नहीं कब हम भाग जाएं, हमें नहीं आता, तो आप पढ़ते जाइए, आपको वही गड़बड़ी मिलेगी जो आप जानते रहेंगे। तो देखें, इसकी घोषणा राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के आधार पर की जाती है, यस 356 इसी के लिए किया जाता है, सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा है। बी कह रहा है कि इसके तहत उद्घोषणा संसद के द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदन किया जाना आवश्यक होता है, ये भी सही है। इसके तहत उद्घोषणा को 6-6 महीने पर पुनः अनुमोदित कर अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। नहीं मेरे भाई, यहीं गड़बड़ी कर दिया, अनिश्चित काल के लिए नहीं, ये मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित काल ये कर देगा तो हमेशा राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा, तो ये यहीं पर गलती किया है, तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, और बाकी डी वाला भी सही है। राष्ट्रपति शासन को उद्घोषणा संसद के साधारण बहुमत से अनुमोदन की जाती है। तो यहाँ पर जो उत्तर हमारा होना चाहिए यह ऑप्शन नंबर सी है, यही गलत है, क्योंकि अनिश्चित की जगह 3 वर्ष होना चाहिए था। 19 वाला देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित हैं। हमें मालूम है उच्चतम न्यायालय को अगर सरकार उसे जो है राष्ट्रपति उसे परामर्श मांगे, कोई सलाह मांगे, तो उच्चतम न्यायालय उसे सलाह देता है। तो ये हमको जो है अनुच्छेद जो है 143 में ये दिया गया है प्रावधान, कि मतलब वो परामर्श देने का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का। तो पहला क्या है, तो अंतर्गत क्षेत्राधिकार बताना है हमें। सभी संवैधानिक मामलों प्रधानमंत्री को सलाह देता है। नहीं मेरे भाई, उच्चतम न्यायालय जो सलाह देता है वो राष्ट्रपति को देता है, वो भी सार्वजनिक महत्व के मामलों में। तो विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देना ये भी गलत है। सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना, यस प्रधानमंत्री को थोड़ी ना सलाह देगा जो है सुप्रीम कोर्ट, वो राष्ट्रपति को देता है, वो भी कब, सार्वजनिक महत्व और कानूनी तथ्यात्मक मामलों में। तो यही सही है हमारा सी वाला। आगे बढ़े हम लोग 24 देखते हैं, 19 हो गया ना, अब हम 20 देखते हैं। 20 में क्या कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 136 के संबंध में सत्य कथन चुने। तो संविधान के अनुच्छेद 136 के संबंध में जो है हमें सत्य कथन को चुनना है। तो 136 जो होता है मेरे भाई, यह क्या कहता है कि यह विशेष इजाज़त से संबंधित है, इसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान है, ये भी सही है। अपील की इजाज़त स्वयं उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार प्रदान करता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी दिए हुए उपर्युक्त कथन सत्य हैं 136 के अनुसार। आगे बढ़े हम लोग 21 में, देखते हैं क्या है। 21 में मेरे भाई ये कह रहा है, थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं, अब सही है। निम्नलिखित में से किस एक के संबंध में भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाएं समान हैं। तो मेरे भाई, चारों कथन में से एक कथन ऐसा है जिसमें भारत और अमेरिका की राजनीतिक जो है व्यवस्थाएं एक समान है, उसमें कॉमन है, तो उसी को हमें पकड़ना है। तो देखें,
आपको बता दें, भारत और अमेरिका में जो राजनीतिक व्यवस्थाएं समान है उसमें पॉकेट बीटो का, पॉकेट बीटो का मतलब होता है जैसे कोई कानून प्रस्ताव पारित हुआ सदन में से और राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तो अधिनियम बनता है, वो अधिनियम जब लागू हो जाता है तो वो कानून बन जाता है। तो जो है राष्ट्रपति भारत के और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है पॉकेट बीटो का। पॉकेट बीटो का मतलब कोई उनके पास प्रस्ताव पारित होकर आया, वो अपनी सहमति न दें और न तो दें और न ही मना करें, वो अपने पास रखकर भूल जाते हैं जेब में, तो उसी जेब से रिलेटेड पॉकेट है या जेबी बीटो भी कहा जाता है इसे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य है। आगे बढ़े हम लोग, तो थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। देखें अब क्या है 22वां में, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो चारों में से कौन सा एक गलत सुमेलित है या सही सुमेलित नहीं है इसे बताना है। तो निष्काम कर्म का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद दिया है। तो मेरे भाई यह 22वां का यही गड़बड़ी है, अथर्ववेद में नहीं बल्कि यह यजुर्वेद में है। निष्काम कर्म का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में किया गया था, अथर्ववेद में नहीं। तो हमें ये पहले पता लग गया यही है तो ये गलत है, तो यही हमारा उत्तर होगा। हम इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन आप लोग जान लीजिए जानकारी के लिए। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, वैदिक साहित्य श्रुति से संबंधित है। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के सातवां मंडल में। तो ये सभी सत्य हैं, यही गलत था। चले हम लोग 23वां देखते हैं। देखें बढ़िया प्रश्न है यहाँ पर, मिलाने वाला सवाल साथियों इतना मज़ेदार होता है कि इसमें आपका गलत ही नहीं होगा, गलत होने का चांस एकदम न के बराबर होता है। देखें हमें जो आता है पहले हम उसी को मिला लें। एक तरफ महाजनपद दिया है और दूसरी तरफ उसकी राजधानी दिया है। तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि महाजनपद कुल कितने थे। तो हम लोग चलते हैं अंग, देखो जो अंग महाजनपद था उसकी राजधानी चंपा थी, चौथे जाएगा। मत्स्य जो था उसकी राजधानी विराटनगर थी। और ये जो चेदी जो था इसकी राजधानी शक्तिमती। और जो एक हमारा बच रहा है उसका सीधा सीधा इस पे चला जाएगा। तो हमारा कौन सा आएगा, हमारा उत्तर यहाँ कौन सा होगा, ए 4 पर, डी 1 पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यही उत्तर होगा, ये वाला। इस तरह से हम लोग मिला लेंगे। तो हमारा 23 हो गया, 24 पे हम लोग चलते हैं। 24वां का प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो विशुद्ध मग्ग को, ऑप्शन नंबर डी, विशुद्ध मग्ग को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। और यहाँ पर आप तो बुद्धचरित को आप लोगों को मालूम होगा, ये बुद्धचरित किसने लिखा था, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा बुद्धचरित किसने लिखा था। और आगे हम लोग चलें, अब अश्व घोष ने लिखा था। तो आगे हम लोग चलें अब 25वां में, देखते हैं 25वां में क्या कह रहा है। सातवाहन वंश के संबंध में निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हीं कथनों में से कौन सा असत्य है, यानी सातवाहन वंश के संबंध में असत्य कथन को, गलत कथन को आप चूज करिए। तो देखिए मेरे भाई इसमें क्या करना है, आपको दोनों कथन को पढ़ना है और पढ़कर हमें असत्य कथन को बताना है, यानी कौन सा गड़बड़ है 25वां में। तो अब लोग हम लोग पहला अगर इधर पढ़ते हैं तो पहले में हमें क्या मिलता है, देखें इस वंश की स्थापना सिमुक ने शुंग वंश के शासक सुशर्मन की हत्या करके की थी। तो मेरे भाई तो सही बात है, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी और सुशर्मन की हत्या करके किया था, लेकिन गड़बड़ी कहाँ है, यह शुंग वंश की शासक को हत्या नहीं किया था, ये जो सुशर्मन शुंग वंश शासक नहीं था बल्कि यह कण वंश के शासक सुशर्मन की हत्या करके किया था, यानी सुशर्मन जिसकी हत्या हुई थी वो शुंग वंश का नहीं बल्कि कण वंश का शासक था, तो इसलिए यह गड़बड़ हो गया। दूसरा कहे नाना घाट पूरे अभिलेख सातवाहन नरेश हाल से संबंधित है। तो मेरे भाई ये भी गड़बड़ है, ये जो सातकर्णी प्रथम से संबंधित है ये इससे नहीं है, नरेश हाल से संबंधित नहीं है। तो यानी दोनों के दोनों हमारे यहाँ असत्य कथन है। आगे बढ़े हम लोग 26वें में, देखें 26वां में एक ट्रिक होता है, ये प्रश्न बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कई सारे एग्जाम में ढेर बार पूछा गया है, एकदम जितना इम्पोर्टेंट इसे लगाना हो आप लगा लीजिए। कह रहा है अलाउद्दीन का जो विजय अभियान था
तो उसके कालक्रम को व्यवस्थित करना है, यानी सबसे पहले अलाउद्दीन ने किस विजय अभियान किया, उसके बाद कौन सा किया, उसके बाद कौन सा किया, ये। तो आप लोग एक ट्रिक याद रख लीजिए, आपको डेट नहीं याद रखना होगा, ट्रिक GRCM, गुजराती CM, जिससे गुजराती, GR से गुजराती हो गया CM, तो जी से क्या हो गया, गुजरात विजय सबसे पहले किया था, ये नंबर एक पर आ जाएगा, तो गुजरात। फिर उसके बाद रणथंभौर किया था ये अलाउद्दीन ने, उसके बाद सी आ रहा है सी से चित्तौड़, उसके बाद एम से मालवा, तो GRCM यानी कौन सा हमारा सबसे पहले हो रहा है, दो आएगा, फिर एक आएगा, फिर चार, फिर तीन, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सेट हो रहा है, यही GRCM को याद रखिएगा, ये अलाउद्दीन का विजय अभियान है। आगे बढ़ें, आगे बढ़े हमारे, हम लोग देखें क्या है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका के माध्यम से ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने नील आंदोलन में किसानों के हितों का समर्थन किया था। मेरे भाई आपको बता दें, यहाँ जो सोम प्रकाश नामक एक पत्रिका निकाले थे विद्याचंद्र सागर, उसमें नील आंदोलन के किसानों के हितों की बात किए थे, हितों का समर्थन किए थे, तो याद रखिएगा सोम प्रकाश, 27वां का हमारा ये उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ें हम लोग 28 का, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुगल शहजादी मखफी के उपनाम से कविताएं लिखती थी, मुगल शहजादी, तो मुगल शहजादी गुलबदन बेगम को भी कहा जाता है जिसने हुमायूं नामा लिखा था, और ये जेब उन निसा को भी कहा जाता है, लेकिन ये तो गुलबदन ने तो हुमायूं नामा लिखा था, तो जेब उन निसा ने मखबी के उपनाम से कविताएं लिखती थी, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बी हो जाएगा, ये वाला। और मेहरुन निसा तो जहांगीर की पत्नी थी जिसे नूरजहां भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यही उत्तर होगा। 29 का देखें अब हम लोग, 29 में, तो 29वां में हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ शासक है दूसरी तरफ यमन राजदूत है, तो किस शासक में कौन सा राजदूत आया था, संबंधित था, तो उसमें एक मिसमैच है, उसी को बताना है। तो देखें 29वां का, चंद्रगुप्त मौर्य में मेगास्थनी संबंधित है, यस यवन राजदूत था, ये तो सही है। बिंदुसार डाइमेकस, ये भी सही है। अशोक डाइनोसियस, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों जब सही है मेरे भाई, तो आँख मूंद कर हम लगा देंगे कि यही हमारा गलत होगा, स्कंदगुप्त जो है हेलियोडेरस से संबंधित नहीं था। 29वां का हमारा उत्तर हो जाएगा डी, हेलियोडेरस ने, आपको मालूम होगा ये शुंग शासक, ये भागभद्र के दरबार में आया था ये, तो यहाँ पर हेलियोडोरस ने वासुदेव के सम्मान में बेस नगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना किया था, और यह शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था, स्कंदगुप्त के दरबार में नहीं आया था। तो आगे बढ़े हम लोग, 30 में देखते हैं क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो फिर वही बात, सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ देश है एक तरफ राजधानी है, तो कौन सा देश किस राजधानी से संबंधित है, एक मिसमैच है, उसी मिसमैच को हमें बताना है। देखें सेसेल्स विक्टोरिया, सेसेल की राजधानी विक्टोरिया, हैती की पोर्ट ओ प्रिंस, मंगोलिया की उलान बटोर, ये तीनों के तीनों सही हैं, प्रचलित भी हैं, और हमें ये नहीं आता, लेकिन जब हमें पता है यही तीनों सही हैं, तो इसको हम आँख मूंद कर लगा दें, हमें आता हो या नहीं आता हो, यही जो है गड़बड़ होना चाहिए। ग्रेनाडा का दे दिया है आपको लिब्रेविले, तो लिब्रेविले मेरे भाई ये है गैबन की जो है, गैबन, ये जो लिब्रेविले राजधानी है यह ग्रेनाडा का नहीं बल्कि गैबन का है, तो याद रखिएगा इसे, ऑप्शन नंबर डी गलत है हमारा, और बाकी सब सही हैं, इनको याद भी रख लीजिएगा, इन तीनों को इनकी राजधानी क्या है। देखें अब हम लोग 31 का, तो ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार की प्रवाल भित्ति है, तो आपको मालूम यहाँ चल गया ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल भित्ति है, कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, सबसे लंबी प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति क्या होता है, जो मूंगा होते हैं प्रवाल होते हैं, जो मरते हैं तो उनकी जो एक खोल होती है वो इकट्ठा होती जाती है, वो दीवार की तरह बन जाती है, उसी को प्रवाल भित्ति कहा जाता है, भित्ति की तरह दीवार की तरह बन जाती है।
तो यह ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है, यह एक जो है बैरियर और प्रवाल भित्ति यानी अवरोधक प्रवाल भित्ति, ऑप्शन नंबर बी इसका प्रकार है। पूछ रहा है किस प्रकार का प्रवाल भित्ति है, तो अवरोधक प्रवाल भित्ति है, याद रखिएगा। 32 में हम लोग देखते हैं, अब देखें अब हम लोग फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया, ऐसे ही बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, एकदम ऐसे ही सामान्य सा थोड़ा सा बस घुमाया रहता है, आपको समझना होता है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है, तो आपको मालूम होगा कर्क रेखा पर अवस्थित कौन सा नहीं, आप लोग देखेंगे जो 23.5 डिग्री नॉर्थ का जो है, तो उसी पर जो कौन कौन से देश आते हैं तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पर। तो वहाँ पर देखेंगे कि म्यांमार है, मिस्र है, मैक्सिको है, और आप लोग कमेंट बताइए भारत से कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, आप लोग को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो पढ़कर कमेंट में बताइए। तो यहाँ भूटान जो है, भूटान से कर्क रेखा नहीं जाती मेरे भाई, भूटान के बहुत दक्षिण में है कर्क रेखा, आप लोग भूटान देखेंगे तो भूटान से बहुत ज़्यादा दक्षिण में है कर्क रेखा, भूटान से नहीं जाती, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यही गलत है, यानी कर्क रेखा भूटान से नहीं जाती है। देखें 33 वाला, हम ग्रीनलैंड के संदर्भ में कुछ कथन दिया है और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो ग्रीनलैंड हमें पता है मेरे भाई, यह जो उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र है वहाँ देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ग्रीनलैंड, तो यहाँ लिखा भी है विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ये तो सही है, इस पर उत्तरी अमेरिका का अधिकार है। नहीं भाई, उत्तरी अमेरिका के में है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसी में है, लेकिन इस पर अधिकार जो है उत्तरी अमेरिका का नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको अचंभा लगेगा कि वहाँ है फिर भी उसका उत्तरी अमेरिका का नहीं है, तो वहाँ डेनमार्क का यहाँ अधिकार है ये ग्रीनलैंड पर। तो यहाँ पर हमारा कौन सा उत्तर केवल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े हम लोग 34 में, 34 में हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखें प्रश्न जो है ये देखो मैचिंग वाला है, बढ़िया प्रश्न है। देखें यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पर भी सीखने को मिलेगा, देखो यहाँ शहर का नाम दिया गया है, कौन से शहर के जो है किनारे जो है कौन सा झील है, तो यहाँ पर कुछ झील का नाम दिया गया है, तो ये झीलों का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, आप लोग जब पढ़ोगे उत्तरी अमेरिका में जो झीलें हैं वो पांच आपको महान झीलों में पांच झीलें आती हैं, ईरी, सुपेरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, पांचवा मिशिगन होती है जो इसमें नहीं दिया गया है, इन्हीं पांचों झीलों को मिलाकर महान झीलें कही जाती हैं। तो फिलहाल ये हमारा यहाँ आपको थोड़ा सा जानकारी देना था, हमारा उत्तर अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखते हैं, थंडर बे कनाडा में है, कनाडा में है सुपीरियर झील के तट पे, और क्वींसलैंड जो है ये यूएसए में है, ईरी यहाँ पर, और टोरंटो जो है टोरंटो कनाडा में ओंटारियो झील के पास है, और बचा हमारा एक ये केसविल्ले, ये ह्यूरॉन, तो इस हिसाब से हमारा आंसर नंबर डी यानी ये उत्तर सेट हो रहा है। आगे चलें हम लोग अब 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी काला सागर में गिरती है, तो मेरे भाई डेन्यूब नदी जो है ये काला सागर में गिरती है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर ये ब्लैक सागर में गिरती है। आगे चलें हम लोग, भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की सीमा किस एक देश से साथ नहीं लगती है, तो मेरे भाई सीधा सीधा आप नक्शा देखोगे भारत का तो बांग्लादेश से जो है बंगाल की सीमा तो बांग्लादेश से लगेगी, ये तो कन्फर्म है क्योंकि उसी से अलग हुआ है, भूटान से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है, म्यांमार से नहीं लगती, म्यांमार से बांग्लादेश की लगती है, तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। 37 देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है, तो गलत को पकड़ना है हमें, कौन सा कथन हमारा गलत है, तो देखें बहुत बढ़िया प्रश्न, आदम ब्रिज तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, यस आदम ब्रिज तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो ऐसे जैसे मान लीजिए ये भारत है और यहाँ श्रीलंका है, तो आदम ब्रिज यहाँ तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य यहीं स्थित है, ऐसे
तो पंबन द्वीप आदम ब्रिज का हिस्सा है, इसी आदम ब्रिज पर यहाँ एक पंबन द्वीप है ऐसे करके, तो ये भी जान लीजिए, ये भी सही है। पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है, ये भी सही है, इसी पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। तो ये सब तीनों के तीनों सत्य हैं, गलत यही है, आँख मूंद कर लगा दीजिएगा। अब आपको मालूम होना चाहिए क्यों गलत है। आदम ब्रिज के उत्तर में मन्नार की खाड़ी स्थित है। नहीं मेरे भाई, ये दो आदम ब्रिज मैंने बताया, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाऊँ, ये जो आदम ब्रिज मैंने बताया यहाँ पर, तो आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी है और इसके दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है, लेकिन यहाँ पर उल्टा दे दिया कि उत्तर में मन्नार की खाड़ी। नहीं मेरे भाई, उत्तर में पाक की खाड़ी है, यहाँ पाक की खाड़ी है और यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, तो इस हिसाब से यह गलत हुआ हमारा। आगे चलें, हम देखते हैं 38 में क्या है, तो कलर चेंज हम लोग करते हैं। 38 में क्या है, मुख्य हिमालय के गर्भ में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो मेरे भाई कुडप्पा प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, मुख्य हिमालय की बात कर रहा है, महान हिमालय, मुख्य हिमालय में कुडप्पा प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें संगमरमर बलुआ पत्थर इन सब की जो है उपस्थिति होती है। आगे बढ़े हम लोग 39, देखें यहाँ आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। पर्वत चोटियों में कौन सा सर्वाधिक ऊँची है, तो कुछ चार पर्वत चोटियाँ दिया गया, पूछ रहा है सबसे ऊँची कौन है। तो आपको जब ऐसा पूछे, थोड़ा सा एक मिनट आपका समय लेंगे, अच्छे से बता दें, जब आपको पूछे विश्व की सबसे ऊँची चोटी, तो आप माउंट एवरेस्ट बताओगे। आपको जब पूछे विश्व की दूसरी सबसे ऊँची चोटी, तो आप K2 बताओगे, जिसको हम लोग ये गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और यह POK में है, अपना जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, तो POK में है। तो विश्व की सबसे दूसरी चोटी अपने, जिसका नाम K2 है, अपने POK में है, और विश्व की सबसे ऊंची तीसरी चोटी जो है वो कंचनजंगा है, उसके बाद नंगा पर्वत है। तो यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट नहीं दिया है, तो इसका मतलब अब दिए हुए ऑप्शन में ही हमको सबसे ऊंची ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर B यही सही है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। आगे चलें 40 में देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा गलत है उसी को बता दो हमें, कौन सा गलत है यहाँ पर। तो देखें, पहला कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है, बिल्कुल सही। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, नो डाउट, ये भी सही है। मरमुगाओ एक कृत्रिम बंदरगाह है, मेरे भाई यही गलत है। मरमुगाओ गोवा में है और यह प्राकृतिक बंदरगाह है, जो जुआरी नदी के मुहाने पर है, तो वहाँ पर यही गलत हो जाएगा अपना, यही सी वाला, और बाकी सही है, कोचीन एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये सही है। इस तरीके से हम लोग जो फैक्ट है उसको याद रखेंगे, तभी सही होगा हमारा, तभी काम बनेगा अच्छे से। देखें, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित लेथेसो देश में कौन सा एक कथन असत्य है, तो अफ्रीका जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में आप लोग देखते हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ ऐसे हल्का सा बता दें, ये मान लीजिए अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अफ्रीका है जो सबसे साउथ में है, इसी दक्षिण अफ्रीका के बीचों बीच जो है, बीच में एक लेथेसो देश है, ये वाला, यही लेथेसो देश है यहाँ पर, जो चारों ओर से घिरा हुआ है, दक्षिण अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के बीच में है, तो दक्षिण अफ्रीका चारों ओर से घिरा ही रहेगा, बेचारा बंद रहेगा, तो याद रखिएगा लेथेसो के बारे में, आप लोग मैप देखेंगे तो याद आ जाएगा आपको। तो लेथेसो देश के बारे में कौन सा एक असत्य है यही बताना है। यह ड्रैकेंसबर्ग पर्वत पर स्थित है, और पता नहीं, ये मान लीजिए हमें नहीं मालूम है, आगे चलने देखते हैं। तटरेखा की लंबाई सबसे छोटी है, इसमें शांत घाटियों का देश भी कहा जाता है, इसकी राजधानी मेरेसु है। तो 41वां का मेरे भाई हमारा जो यहाँ उत्तर पूछ रहा है लेथेसो के बारे में, ये लेथेसो के बारे में हमारा ये ऑप्शन नंबर B होना चाहिए, क्योंकि इसके में तट है ये नहीं है, तट कहाँ से होगा जो उसके बीचों बीच बेचारा है, तो वहाँ तट है ये नहीं, तो इसमें तटरेखा लंबाई सबसे छोटी, वह तट है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर B यही हमारा उत्तर होगा। थीन परियोजना स्थित है, थीन परियोजना कहाँ है मेरे भाई, रावी नदी पर है, ऑप्शन नंबर A, सिंपल सा प्रश्न है। आगे चलें हम लोग, छह
छः डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण करता है? तो 6 डिग्री का जो चैनल है मेरे भाई, यह भारत और इंडोनेशिया, भारत इंडोनेशिया के बीच सीमा निर्धारण करता है। और आप लोग जो है 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल, ये सब याद कर लीजिएगा। यही सब आपको कई सारा विकल्प देखकर पूछा जा सकता है, जैसे अंडमान निकोबार, ये सब में यहाँ जो 10 डिग्री का चैनल पाया जाता है। इस तरीके से आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा डिग्री को। 46-44 में देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो सही कथन बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको कई बार अभी एग्जाम में पूछा गया है साथियों। तो कह रहा है कौन सा कथन सही है, एल्यूमिनियम उद्योग एक भार हरासी उद्योग है। यस मेरे भाई, बिल्कुल सही कह रहा है। जो लौह उद्योग होते हैं या एल्यूमिनियम उद्योग होते हैं या भार हरासी उद्योग होते हैं, वेट लॉस इंडस्ट्रीज, इसका मतलब क्या होता है भार हरासी उद्योग में, इसमें जितना माल लगाओगे उससे कम तैयार होता है। जैसे आपने 100 क्विंटल माल लगाया इनपुट, तो पता लगा आउटपुट में आपको 40 क्विंटल मिलेगा, उसमें बहुत सारा बाहर चला जाता है। जैसे गन्ना चीनी बनाना होगा, चीनी भी भार हरासी उद्योग है। चीनी में आपने 100 क्विंटल एक ऊख गन्ना खरीद कर लाया, फिर आपने उसकी पेराई किया, उसमें खोई निकल गया, पकाया, पानी निकल गया, अंत में पता लगा चीनी जो है वो 20 क्विंटल बनी, तो ये भार हरासी उद्योग कहलाते हैं। दूसरा क्या है, भारत में वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। जी मेरे भाई, बिल्कुल सही है। तो जो है कृषि उद्योग के बारे में बात किया है, सबसे बड़ा तो जो है वस्त्र उद्योग है कपास के क्षेत्र में, उसके बाद चीनी से दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। तो यहाँ पर हमारा जो है दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके के प्रश्न में थोड़ा सा समय दे देता हूँ कि आप थोड़ा सा जान जाएं, चीज़ों को कनेक्ट कर पाए होता है जो। देखें अब हम लोग 45वां प्रश्न देखते हैं, बढ़िया है। निम्नलिखित में से जो दो सूची दिया गया है, एक तरफ परियोजना है दूसरी तरफ राज्य है, किस राज्य से संबंधित कौन सी परियोजना है, मिलाकर हमें ऑप्शन को करेक्ट कर लगा देना है। तो देखें यहाँ पर साथियों, हम चमेरा जो हमें सबसे पहले क्लियर है उसी को हम लगा देते हैं। तो चमेरा ये जो हिमाचल प्रदेश की परियोजना है ये हमने लगा दिया, और ये जो टनकपुर है, टनकपुर उत्तराखंड की एक परियोजना है। सलाल ये जो है, तो पहले मान लीजिए हमें नहीं क्लियर हो रहा है तो हम देख लें, डी वाला 4 पे होना चाहिए और बी वाला 1 पर होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी बन रहा है, ऑप्शन नंबर ये डी तैयार हो रहा है, यानी ए वाला तीसरा पर जाएगा। मचकुंड जो है ये आंध्र प्रदेश पे चला जाएगा, ये जो सलाल है तीसरा वाला ये सी पर चला आएगा। तो इस हिसाब से 45वां का जो हमारा उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी हो रहा है। आगे बढ़े हम लोग, 46 देखते हैं हम, बढ़िया प्रश्न है 46 में, एक तरह का इकोलॉजी का है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा एक हमारा सुमेलित नहीं है उसे हमें मैच करा देना है। प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक मेरे भाई क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, जो अपने आप अपना भोजन बनाते हैं। तो ये भी, ये तो सही है, प्राथमिक उत्पादक ये सही है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जीवभार का पिरामिड, याद रखिएगा, जीवभार का पिरामिड पूछ रहा है, जलीय पारितंत्र में हमेशा उल्टा बनता है ऐसे, तो ये भी सही है। तीसरी वाला कह रहा है पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह जो होता है वो चक्री होता है, नहीं मेरे भाई रेखीय होता है, तो यही सी वाला हमारा गलत है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह रेखीय होता है, लीनियर होता है, तो यही हमारा गलत था, और बाकी सब अपनी जगह पे सही थे। अब घटक एवं उपभोक्ता दोनों में ये चींटी आती है, यानी चींटी गुड़ भी खा लेगी, चींटी मरा हुआ जो है मांस भी, मरा हुआ जानवर के मांस भी खा लेगी, तो इसलिए अब घटक उपभोक्ता दोनों में आती है। तो सी वाला यहाँ हमारा गलत दिया था, क्योंकि यह रेखी की जगह चक्री दे दिया था। 45-47 में देखते हैं हम लोग, देखें 47 में क्या कह रहा है मेरे भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल प्रश्न है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा। कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, कौन सा पहले हुआ था उसको पहले, उसके बाद ऐसे। तो पहला जो कथन कह रहा है, भारत द्वारा
कार्टाजेना प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा के लिए किया जाता है, आपको मालूम होगा। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया था भारत ने, तो आपको मालूम होगा 2001 ने भारत ने कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। जैव विविधता अभिसमय भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया, कब किया गया, 2002 में, 2002 में पारित किया गया था। अब यहाँ जो तीसरा है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो 2003 में हुई थी। तो ये इसका मतलब 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी हमारा सेट हो रहा है। आगे बढ़े हम लोग 48 में। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का प्रमुख घटक होता है, तो धूम कोहरे प्रकाश रासायनिक जो है, धूम कोहरा होता है, आप लोग दिल्ली वगैरह में जो होता है स्मॉग, वहाँ पर देखते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलता है ठंड के महीनों में। तो धूम कोहरे का प्रमुख घटक क्या होता है उसमें, तो धरातलीय ओजोन गैस, यस मेरे भाई, ऑप्शन नंबर यही, जो ओजोन पाया जाता है आपके समताप मंडल में, वही ओजोन यदि आपके जो है ये क्षोभ मंडल के निचली परत में आ जाए तो वही खतरनाक हो जाती है। यानी ओजोन जब समताप मंडल में रहेगी तो पराबैंगनी किरण को रोककर हमारी रक्षा भी करेगी, जब वही आपके क्षोभ मंडल में आ जाएगी तो वही हमारे लिए खतरा भी बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए धूम कोहरे का प्रमुख घटक है, 48 का ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं जो है, देखते हैं 49, देखते हैं, बढ़िया प्रश्न है। कौन सा बायोमास का सही रूप में प्रदर्शित करता है, तो बायोमास का मेरे भाई पहले से आपको बता दूँ समय बचाने के लिए, जैसे हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी में से एक निश्चित समय पर, एक निश्चित टाइम पर हमारे बॉडी में से सारे जल को निकाल दिया जाए और जो कुछ बचेगा जितना, वही बायोमास कहलाएगा। तो आपको यही सीधा सीधा मैं बता दिया, ऐसे पेड़ होता है, पेड़ को काट लीजिए उसमें सारी जो है जल सूख जाए तो जो बचेगा वही बायोमास होगा एक निश्चित समय पर। तो किसी पारितंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों की सकल शुष्क भार को बायोमास कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा। आगे बढ़े हम लोग, देखें 50वां में क्या कह रहा है। मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम, मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 50वां का हमारा बी हो जाएगा। आप लोगों को मालूम होगा यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आगे बढ़े हम लोग 51 देखते हैं। संसद का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 में वर्णित किसी निर्योग्यता से ग्रसित है या नहीं ग्रसित है, तो इसका निर्णय कौन करता है, तो मेरे भाई 102 में जो वर्णित किया गया है कोई भी जो है संसद सदस्य वो निर्योग्यता से यानी डिस्क्वालिफिकेशन से ग्रसित है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति करता है और निर्णय राष्ट्रपति करके वो देता है निर्वाचन आयोग को, तो उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका निर्णय राष्ट्रपति करता है। 52 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राज्य धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा निर्बंधन आरोपित नहीं कर सकता, तो आपको मालूम है कि अनुच्छेद जैसे 25 में जो है एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन इस पर कुछ लिमिटेशन लगाया गया है, ये धार्मिक स्वतंत्रता में जो है इस पर इसको सीमित किया जा सकता है, लोक व्यवस्था को बनाए रखने में, स्वास्थ्य को बनाए रखने में, सदाचार को बनाए रखने में, इन तीनों को बनाए रखने में धार्मिक स्वतंत्रता पर लगाम लगाया जा सकता है। ये नहीं कि ये जैसे आपको थोड़ा सा बता दें, जैसे ये नहीं कि कोई सड़क पूरा जाम कर लिया नमाज पढ़ने के लिए तो वहाँ पर भी सरकार लगाम लगा सकती है, नहीं आप धर्म के आप ऐसा नहीं कर सकते। ये नहीं कि दुर्गा पूजा का पंडाल लगाकर पूरा सड़क जाम कर दे, रात भर डीजे बजाएं तो लोगों को इसे प्रभावित हो, बीमारी फैले, तो वहाँ भी सरकार रोक लगा सकती है। तो ऐसे मैं आपको कुछ उदाहरण बताया, तो यहाँ पर निर्बंधन आरोपित नहीं कर सकता ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा है जिसमें नहीं कर सकता, तो लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार में तो कर सकता है, गरिमा के में नहीं कर सकता, ये उत्तर गरिमा होगा, यानी गरिमा के क्षेत्र में निर्बंधन नहीं लागू है। 53 क्या है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो इसके उपाध्यक्ष
इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं। जी सही बात है, यह एक सांविधिक निकाय है। नहीं मेरे भाई, यह 2018 से पहले सांविधिक निकाय था, अब यह संवैधानिक निकाय हो गया है। संवैधानिक निकाय हो गया है 2018 से। 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से मोदी जी लेकर आए थे, ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जिसमें अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया था। तो इस हिसाब से 53वां का हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा बी हो जाएगा, जो है यह सांविधिक निकाय है। तो आगे चलें हम लोग, अब 54 देखते हैं क्या है हमारा। 54 में क्या है मेरे भाई, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का मतलब क्या है साथियों, दो राज्य हो उन दोनों राज्यों के लिए एक यानी कॉमन लोक सेवा आयोग बना। जैसे यूपी बिहार के लिए दो लोक सेवा आयोग है, तो मान लीजिए यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए जैसे यूपी में एक और राज्य बन जाए, तो वहाँ पर लोक सेवा आयोग नहीं है, तो इसी लोक सेवा आयोग उसके लिए भी बना दिया जाए जो नया है। तो यहाँ पर ये किसके द्वारा किया जाता है, यानी कॉमन लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो संसद के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी ऐसा प्रावधान है। 55 देखते हैं, सेबी के कार्यों में सम्मिलित हैं, तो सेबी का क्या कार्य है, उसमें क्या सम्मिलित है, यही आपको बताना है यहाँ पर। तो सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज तथा किसी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन यानी उसका रेगुलेशन करता है। जी सही है, प्रतिभूति की इनसाइड ट्रेडिंग पर रोक लगाता है। जी ये भी सही है, प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित अनुचित व्यापार व्यवहारों का समाप्त करता है, ये भी सही है, यानी तीन के तीनों सही है, तो यानी उपर्युक्त सभी सही हैं। 56 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है, बिजली का कुचालक परंतु ताप का सुचालक। तो कुचालक मतलब नॉन कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी इसमें से, और सुचालक मतलब होता है पास हो जाना, यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है जिनमें से बिजली करंट फ्लो नहीं हो पाते। यहाँ हम करंट देंगे तो यहाँ नहीं पहुँचेगी, लेकिन टेम्परेचर हम यहाँ देंगे तो टेम्परेचर यहाँ पहुँच जाएगा, तो वो है अभ्रक, ऑप्शन नंबर डी, आप लोग पढ़े होंगे 9th में। भारत में सहकारिता आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो आपको मालूम है साथियों सहकारिता कोऑपरेटिव मूवमेंट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो होता है सबसे पहले जो है कृषि साख यानी जो है ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र में किया गया था। तो जैसे कृषि क्षेत्र में कैसे किया गया था आपको थोड़ा सा बता दें, जैसे एक गांव में दस लोग, 10 परिवार हैं, 10 परिवार के अलग अलग खेत हैं, अब वहाँ पर 10 मेड़े बन जाएंगे, छोटा छोटा उनका जोत होगा, तो सहकारिता में क्या किया गया था, सभी को मिलाकर खेती किया जाए जिससे उसको जुताई करने में आसानी हो, सिंचाई करने में आसानी हो, बड़ी बड़ी मशीनों उसमें चलाने में आसानी हो, और जिसका जितना हिस्सा रहेगा उतना दे दिया जाएगा उत्पादन के बाद, जिसे उत्पादन में बढ़ोतरी मिले। 10 लोग हैं तो 10 चौक 40 कोना हो जाएगा, तो तमाम चीज़ ज़मीनें भी नुकसान होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सहकारिता आंदोलन। 57 आगे चले हम लोग, मुद्रा स्फीति की अवस्था में निम्नलिखित में से किस वर्ग को हानि होती है, तो ये साथियों क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुद्रा स्फीति क्या होता है कि जैसे मान लीजिए महंगाई समझ लीजिए आप, महंगाई बढ़ जाना मुद्रा स्फीति होता है, जिसे इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोला जाता है। मुद्रा स्फीति की स्थिति में आपका मुद्रा यानी रुपया कमज़ोर हो जाएगा, जैसे पार्ले बिस्किट आप 5 में ख़रीद रहे हैं, मुद्रा स्फीति हुआ, महंगाई यानी इन्फ्लेशन हुआ, तो 10 रुपये का हो जाएगा, आप 5 रुपया लेके जाएंगे तो नहीं देगा, कहे भैया और पैसा लाइए, यानी अब आपका पैसा कमज़ोर पड़ गया और पैसा देना पड़ेगा उसी चीज़ को ख़रीदने में जो आप पहले ख़रीद लेते थे, तो इसका मतलब यही होता है मुद्रा स्फीति। तो मैं समझाने के लिए थोड़ा सा आपका समय ले लिया, तो इसमें 4 दिए गए हैं नाम, कह रहा है किस वर्ग को हानि होगी, तो महंगाई बढ़ेगा मेरे भाई, उत्पादक जो सामान का उत्पादन कर रहा है वो भी सामान को महंगा कर देगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्यापारी है वो महंगा खरीदेगा तो महंगा बेचेगा, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा। रीढ़ी, रीढ़ी क्या होता है मेरे भाई, जो अपना जो है कर्ज लिया है
तो जैसे कर्ज लिया जो है बैंक से, अब महंगाई बढ़े या ना बढ़े वो जितना लिया है उतना ही देगा, ये नहीं महंगाई बढ़ गया तो ज़्यादा देगा, इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेतन भोगी कर्मचारी को फ़र्क पड़ेगा मेरे भाई, जो मान लीजिए वेतन पाता है कर्मचारी बेचारा 10,000 महीना मान लीजिए पा रहा है, महंगाई बढ़ती गई और उसका तनख्वाह उतने है तो उसको ज़्यादा प्रभावित करेगी मुद्रास्फीति। तो ऑप्शन नंबर डी, वेतन भोगी कर्मचारी को ज़्यादा हानि पहुँचाएगी। अब हम लोग देखें 59, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है। तो मेरे भाई ये अर्थव्यवस्था में जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, दो प्रकार की नीतियाँ होती हैं, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति आरबीआई बनाती है और राजकोषीय जो है वो सरकार बनाती है। तो मौद्रिक नीति में जैसे क्या होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ब्याज दर, ये सब तय किया जाता है, लोन कितने में मिलेगा आपको, ब्याज कितना मिलेगा, पैसा जमा करेंगे तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, तो ये सब जो होता है मौद्रिक नीति से तय होता है। तो यहाँ पर क्या है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य हम लोग चलते हैं 59 में क्या कह रहा था, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है। तो मेरे भाई मौद्रिक नीति का एक ही उद्देश्य होता है कि विनिमय दर में स्थायित्व तो करना, यानी जो लेन देन होता है, रोजगार सृजन करना, विकास एवं मूल्य को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सत्य हैं मौद्रिक नीति का, और भी आते हैं लेकिन दिए हुए ऑप्शन में इतना है तो इतना होगा। 60 में देख लेते हैं, अब देखिए अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, यहाँ आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होना पड़ेगा अच्छे से। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे हम लोग FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो असत्य कौन सा है वही बताना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है मेरे भाई, जैसे हमारे यहाँ कोई चीज़ का उत्पादन करना है, उत्पादन करने में जो पूंजी चाहिए उस पूंजी को लाने में बनाने में कोई विदेशी आया, विदेशी व्यक्ति या विदेशी कंपनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया पूंजी के लिए, तो वह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI कहलाती है। तो यह अवसंरचनात्मक होता है यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल होता है, यस ये तो सही है, लेकिन हमसे असत्य पूछा है। तो इसमें भौतिक पूंजी का निर्माण होता है, ये भी सही है। यह अल्पकालिक होता है, नहीं मेरे भाई अल्पकालिक नहीं होता है, यह दीर्घकालिक होता है, दीर्घकालिक होता है, लॉन्ग टर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यही गलत है, FDI जो होती है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वह दीर्घकालिक होता है, इसका आय एवं रोजगार पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव होता है। सीधी सी बात है, कोई विदेशी आके आपके यहाँ निवेश करेगा तो इनकम बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, आप ही फायदा होगा। तो इस तरह से थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा सवाल, थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्या क्या क्राउडिंग इफेक्ट को दर्शाता है। तो इसमें चारों विकल्प में पूछ रहा है कौन सा विकल्प क्राउडिंग इफेक्ट, क्राउडिंग आउट प्रभाव को बताता है। तो क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या होता है आप लोग थोड़ा सा जल्दी से जान लीजिए। जैसे हर क्षेत्र में सरकार निवेश करने लगे तो जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो बेचारी सड़क पे आ जाएंगी ना, तो उनके लिए वो अच्छा नहीं होगा। तो जब सरकारी व्यय में वृद्धि होने के कारण निजी अथवा निवेश में वृद्धि, सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जब सरकारी व्यय में वृद्धि होती है के कारण निजी अथवा निजी निवेश में यानी निजी खर्च में कमी आ जाती है, तो ऑप्शन नंबर ई, सॉरी ये इसी से होता है। तो जब सरकार ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेगी तो जो प्राइवेट होते हैं उनके लिए जगह ही नहीं बचेगी, तो यही होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। 42 हम लोग देख ले, 62, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है इसको हमें बताना है। पहला हम पढ़ लें, लॉर्ड वेलेजली द्वारा पत्रेक्षक अधिनियम 1799 में समाचार पत्रों का नियंत्रण लगाने के लिए पारित किया गया था, यस इसी के लिए किया गया था, ये तो सही है। दूसरा कह रहा है गांधी जी ने साप्ताहिक पत्रिका समाचार पत्र हरिजन का प्रकाशन गुजराती भाषा में किया था, नहीं मेरे भाई ये जो हरिजन, ये गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन किया था ये अंग्रेजी में किया था, अंग्रेजी में
और एक हरिजन बंधु नाम से किया था, हरिजन बंधु वो गुजराती में था, तो गुजराती में हरिजन बंधु था और एक और हरिजन करके उनका नाम ऐसे कुछ था, वो हरिजन सेवक वो हिंदी में था। तो यहाँ पर आप लोग केवल हरिजन पूछा है तो हरिजन अंग्रेजी में था, गुजराती में हरिजन बंधु था, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल यहाँ पर एक ये सही होगा। 63 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो फिर वही बात, कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसके बारे में हमें बताना है। तो अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम से संबंधित है। तो देखो, मैं पहले बताया जो ऐसे प्रश्न होते हैं सही सुमेलित नहीं है तो वहीं पर गड़बड़ी करता है जो आप जानते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं, आप एक आपको नहीं आ रहा है तो अगला पढ़िएगा, अगला विकल्प पढ़िएगा, तो आपको देखने को मिलेगा जो आप जानते हैं उसी में जानबूझ के गड़बड़ी किया रहता है। तो अहमदिया आंदोलन जो है मिर्जा गुलाम अहमद से संबंधित है। देवबंद आंदोलन कासिम ननौतवी से एवं रसीद अहमद गंगोही से संबंधित है। यहाँ देखिए आप ये भली भांति जानते हैं, यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट, तो ये जो होता है एनी बेसेंट संबंधित नहीं है मेरे भाई, ये डेरेजियो से संबंधित है। डेरोजियो ये आप जानते होंगे, इनके बारे में जानते होंगे, तो ये इनसे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सी सही है ये वाला। और नामधारी आंदोलन राम सिंह से संबंधित है तो जानते ही हैं। तो इस तरह से आप देखा, यही उत्तर होगा। 64 में देख लेते हैं, 64 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना सबसे बाद में घटित हुई थी। तो सबसे बाद में कौन सी एक घटना घटित हुई थी इन चारों घटनाओं में से, इसी को हमें को बताना है मेरे भाई। बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो देखते हैं हम लोग क्या है। कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना 1929 में हुआ था मेरे भाई, 1929 में। बारदोली सत्याग्रह किसानों से संबंधित था जिसमें सरदार पटेल भी सम्मिलित हुए थे, तो ये 1928 में हुआ था। सारी चीज़ों को आप जानते रहिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था, जिसे एटक भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना साथियों ये 1905 में लंदन में हुआ था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तो इस हिसाब से सबसे बाद में कौन हुआ था सबसे अंत में, तो यही कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना सबसे लेट हुआ था, यही वाला होगा ऑप्शन नंबर ए, यही उत्तर होगा 1929। 65 में देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। पहले कांग्रेस था फिर भारतीय राष्ट्रीय जो उसमें शब्द जोड़ा गया है कांग्रेस में, तो राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया नागपुर अधिवेशन 1891 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अपना 66, इसमें क्या कह रहा है मेरे भाई, दो सूची दिया है, एक इधर सूची दिया गया है कुछ घटनाएं और वो कब हुई थी उससे संबंधित दूसरी सूची है, इसको हमें मिलाना है। तो देखो हम लोग मिलाने वाला प्रश्न है, हम यहाँ गलती नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया से हमारा प्रश्न सॉल्व होना चाहिए ये वाला। तो देखें, हमारा सांप्रदायिक निर्णय जिसे हम लोग सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं, दलितों को एक जो अपना जो आया था सांप्रदायिक पंचाट दलितों से संबंधित, तो ये 1932 में आया था, ये हो गया। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग संविधान सभा का विरोध यानी कैबिनेट मिशन का विरोध करके प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई थी 1946 में, ये हो गया। अब हमारा जो है ए वाला होगा जो है 4 पर आएगा, अगस्त प्रस्ताव, जो अगस्त प्रस्ताव था ये 4 1940 में हुआ था, और ये जो अगस्त घोषणा 1917, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी बन रहा है, सेट ये होगा उत्तर। आगे बढ़े हम लोग, देखें यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिकल कमीशन की स्थापना कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था मेरे भाई। नेशनल ये जो नेशनल स्टैटिकल कमीशन की स्थापना नरसिंहन सी रंगराजन समिति की सिफारिश पर, किसके सिफारिश पर, सी रंगराजन समिति की सिफारिश पर हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ें, यदि अर्थव्यवस्था में श्रमिक प्रचलित चालू मजदूरी पर कार्य करने के लिए तत्पर हो
परंतु उस मजदूरी दर पर भी उन्हें कार्य न मिले तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? मेरे भाई ऐसा आपसे पूछ रहा है, कोई श्रमिक जो है इस समय जो चालू मजदूरी चल रहा है, मान लीजिए 300 रुपया, इस पर काम करने के लिए बेचारा तत्पर है, काम करना चाहता है, फिर भी उसे मजदूरी नहीं मिल रही है, तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? अनैच्छिक बेरोजगारी, यानी उसके इच्छा पर नहीं निर्भर होती है। अगर वो अपनी जो है स्टेटस वाली जॉब ढूंढ रहा है तो उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है, लेकिन इसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाएगा। देखें आप लोग 69 में क्या कह रहा है, 69 में कह रहा है, मेरे भाई निम्नलिखित कथनों पर प्रारंभ में उनके अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो हमें उसको व्यवस्थित करना है कालक्रम के एक अच्छे से, मतलब तो पहले अमृत योजना दिया गया है मेरे भाई, अमृत योजना 9 मई 2015 को आया था, 9 मई 2015 को, और अटल पेंशन योजना आया था, अटल पेंशन योजना आपको पता है 15 नवंबर 2015 को आया था, 2015 को आया था, प्रधानमंत्री मानधन योजना जो था ये 2019 में आया था, और सक्षम योजना जो था ये सक्षम योजना 2016 में आया था। तो इस हिसाब से हमारा सबसे पहले कौन था, तो इस हिसाब से हमें सही क्रम लगाना है, सबसे पहले कौन हुआ होगा, तो ये अमृत योजना वाला, तो अमृत योजना वाला यानी ये अटल पेंशन वाला, तो अटल पेंशन वाला, फिर अमृत योजना वाला, फिर सक्षम योजना, और 2019 वाला लास्ट में होना चाहिए, यानी तीसरा सबसे अंत में होना चाहिए। देख लीजिए तीसरा सबसे अंत में कहाँ है, तो यहाँ है, खटाक से यही लगा दीजिए। आगे देखें हम लोग 70 में क्या है साथियों, एशिया अवसंरचना, आपको दो कथन है और दोनों कथनों को पढ़कर असत्य कथन को बताना है कौन सा कथन गलत है। तो पहला पढ़ेंगे तो कह रहा है एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की स्थापना 25 दिसंबर 2015 को हुई थी। जी बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर ये सही है। दूसरा कह रहा है कि इसमें प्रत्येक सदस्य का मताधिकार अंशधारिता के आधार पर नहीं बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जी दोनों के दोनों यहाँ पर सही है हमारा, लेकिन हमसे पूछा है असत्य, तो यहाँ असत्य कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा, न तो एक न ही दो। 71 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर वर्ष 1987 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना पर रोक लगा दी गई? तो किस समिति की सिफारिश पर जो है 1987 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना पर रोक लगा दी गई थी? तो पहले आप ये देख लीजिए किस समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का सिफारिश किया था, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो नरसिम्हन समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का सिफारिश किया था, लेकिन विजय केलकर, यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी है, इन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापना पर रोक लगा दिया गया था, यानी रूरल RRB पर, तो ऑप्शन नंबर बी यही हमारा उत्तर हो जाएगा, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर रोक लगाने वाला विजय केलकर समिति, और इसकी सिफारिश करने वाला जो है नरसिम्हन समिति। 72 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है यानी मिसमैच है? तो मिसमैच वाला आपको बताना है, मिसमैच कौन सा है यहाँ पर? तो खाद्य मिलावट निरोधक कानून 1954, यस, ट्राइफेड 1987, ये भी सही है, एगमार्क क्या दे दिया है 1937, ये भी आया था। एगमार्क का मतलब क्या होता है, जो कृषि उत्पाद होते हैं उस पर एगमार्क का लोगो बना होता है, आप लोग देखते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान 1986 दिया है, 1986 नहीं मेरे भाई 1988, ये कहाँ पर है, ये जो है आप लोग देखेंगे कि राजस्थान, जयपुर राजस्थान में है स्थापना हुई थी। 73 क्या है, वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है? तो मेरे भाई आर्थिक मामलों का विभाग यह वित्त मंत्रालय का एक विभाग है, यही जो है आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता है और केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने से एक दिन पहले यह अपना सौंप देता है। तो ये हुआ ऑप्शन नंबर ए उत्तर।
74 में देख लेते हैं, ये क्या हुआ हमारा 73 था, तो 74 में क्या है, तो देखें हमारा बढ़िया प्रश्न है यहाँ, निम्नलिखित में से जैव समुदाय को प्रदर्शित करता है, तो जैव समुदाय क्या होते हैं मेरे भाई, जैव समुदाय एक क्षेत्र में समान प्रजातियों की संख्या और परस्पर क्रिया, तो 74 वाला जो है हमारा ये तो नहीं होगा, समान प्रजातियों थोड़ी ना होगा, विभिन्न प्रजातियों में होता है, तो एक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या और उस पर परस्पर क्रिया, तो जी यही वाला उत्तर होगा, जैव समुदाय की के एक जो है मतलब को यही परिभाषित करता है। आगे देखें हम लोग 75 में, तो 75 में हमने क्या देखा, निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा ऐसा प्रदूषक नहीं है जो लंबे समय तक प्रकृति में बना रहता है, तो प्रदूषक मेरे भाई जो लंबे समय तक प्रकृति में बने रहते हैं उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, और जो प्रकृति में बहुत थोड़े समय में ख़त्म हो जाते हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, तो यहाँ पर घरेलू अपशिष्ट जो होते हैं, घरेलू कूड़ा कचरा, ये लंबे समय तक नहीं बने रहते हैं, तो ये ख़त्म हो जाते हैं थोड़े समय में, तो ऐसा प्रदूषक नहीं है जो लंबे समय तक प्रकृति में बना रहेगा, तो घरेलू अपशिष्ट नहीं है, तो नहीं पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आएंगे। आगे देखें हम लोग 76 में, देखें बढ़िया प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है ये, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो एक गलत सुमेलित है उसी को बताना है, पहला वाला भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह हैं, ये जल को संरक्षण करने में बहुत बड़ी इनकी भूमिका रही है, पर्यावरण इंजीनियर GD अग्रवाल, ये भी है, ये भी सही है, पीपल फॉर एनिमल की स्थापना तो वंदना शिवा दिया है मेरे भाई, ये गलत है, ये मेनका गांधी अभी जो सुल्तानपुर से हारी हैं चुनाव, तो वही मेनका गांधी पीपल फॉर एनिमल की स्थापना किया था, यही संस्था ने एक जो सांपों से जहर निकालता था एल्विस यादव, जो उसी पर ये केस किया था, इन्हीं मेनका गांधी की जो संस्था थी पीपल फॉर एनिमल की स्थापना, यानी जो है वन्य जीवों को बचाने के लिए स्थापना किया गया है मेनका गांधी के द्वारा, मेनका गांधी याद रखिएगा, भारत का बर्डमैन सलीम अली को कहा जाता है, ये भी सही है लेकिन गलत यही था, वंदना की जगह मेनका गांधी होना चाहिए था। आगे बढ़ें 77 में, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का गठन किस वर्ष किया गया, तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का गठन पूछा है, किस वर्ष किया गया है इसको हमें बताना है 77 वाले क्वेश्चन में, तो देखें यहाँ पर चार ऑप्शन है 88, 89, 92, 90, तो 77 का जो उत्तर होगा हमारा 88 में होगा, 88 में किया गया था। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं 78 में, निर्धनता का सापेक्षिक मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, निर्धनता यानी गरीबी का जो सापेक्षिक मान होता है, तो सापेक्षिक मान मतलब जानते हैं, जैसे किसी के पास वो साइकिल है, किसी के पास मोटरसाइकिल, तो साइकिल वाला गरीब है मोटरसाइकिल वाले की तुलना में, किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास कार है, तो मोटरसाइकिल वाला कार की तुलना में गरीब है, तो इसे सापेक्षता गरीबी कहा जाता है, किसी के पास कार है, किसी के पास हवाई जहाज़ है, तो कार वाला हवाई जहाज़ तुलना में गरीब है, तो यह सापेक्षिक गरीबी कहा जाता है, तो सापेक्षिक गरीब का निर्धारण करने के लिए जो ज्ञात में लाया जाता है वह मेरे भाई यह लॉरेंस वक्र और गिनी गुणांक, ये दोनों लाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर, पढ़े होंगे इकोनॉमिस्ट इसके बारे में। 79, भारत में औद्योगिक विकास के लिए संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया था, औद्योगिक विकास के लिए संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति में रखा गया था, तो मेरे भाई यह 1956 की औद्योगिक नीति में, इस वाले में ऑप्शन नंबर बी। 80 में, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना मेरे भाई ये फेरवानी समिति की सिफारिश पर ये जो 1992 में हुआ था, फेरवानी समिति 1991 में बनाई गई थी, तो 1992 में ये जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज यानी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया गया था, ऑप्शन नंबर सी।
तो अब हम लोग देखे थे यहाँ पर एक मैचिंग वाला सवाल है अच्छा सा। एक तरफ यहाँ संगठन है, संस्था है, दूसरी तरफ उसकी स्थापना वर्ष है, तो यहाँ पर कौन सा हमारा सही होगा इसे हमें बताना है 81 वाले में। तो देखें करपाट ये 1986 संबंधित है, एफ आर बी एम जो बनाया गया था वो 2003 में बनाया गया था, और फेमा जो है वो 2000 से संबंधित है, एग्जिम 1982 से संबंधित है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सेट हो रहा है, यही सही उत्तर है। 82 में देखते हैं गोईपोरिया समिति का संबंध किस एक से है, तो गोईपोरिया समिति का संबंध किससे संबंधित है मेरे भाई, तो यह संबंधित है बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से, ऑप्शन नंबर ए, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने के लिए सुझाव देने के लिए गोईपोरिया समिति का गठन किया गया था। आगे चलें देखें हम 83 में चोलों की राजधानी उरैयूर प्रसिद्ध थी, चोलों की राजधानी उरैयूर थी और वो क्यों प्रसिद्ध थी इसके बारे में पूछ रहा है, तो कपास के व्यापार के लिए, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें 84 तो देखें हम लोग यहाँ पर अच्छा प्रश्न है, एक तरफ हमें स्थल दिया है हड़प्पा स्थल और दूसरी तरफ सामग्री, किस हड़प्पा स्थल से कौन सी सामग्री मिली है उसी को हम मिला देंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न, मोहनजोदड़ो से हाथी का कपाल मिला था इसको मिला देंगे, लोथल से मेरे भाई फारस की मुहर मिली थी, कालीबंगा से आप लोग को सबको मालूम है हल की आकृति मिला था, अग्निकुंड मिला था कालीबंगा से अग्निकुंड, और एक बचा है बनावली से हल की ये मिला था। तो इस हिसाब से हमारा ए 3 पर गया, बी 4 पर गया और ये 1 पर गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर बन रहा है यहाँ पर 84 का बी। आगे देखें हम लोग देखें ऋग्वैदिक कालीन निम्नलिखित में से किस एक देवता को प्राकृतिक संतुलन का रक्षक माना जाता है, तो ऋग्वैदिक काल में किस देवता को प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने का रक्षक माना जाता था, इंद्र, अग्नि, पूषण, वरुण, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी मेरे भाई वरुण को माना जाता था कि प्राकृतिक संतुलन यही बनाए, इन्हीं की इच्छा से बारिश होती है, इन्हीं की इच्छा से हवा चलता है, तो वरुण को माना जाता था ऋग्वैदिक काल में। आगे देखें हम लोग 86 में बढ़िया प्रश्न है यहाँ पर मैचिंग वाले सवाल बहुत झन्नाटेदार होते हैं साथियों, इससे सवाल आपके गलत नहीं होते हैं। तो एक तरफ अभिलेख है, दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति, किस अभिलेख से कौन से व्यक्ति हैं, तो प्रयाग प्रशस्ति यहाँ पर है, तो प्रयाग प्रशस्ति में मेरे भाई आपको मालूम होगा ये समुद्रगुप्त हैं, इससे ये होता है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त, तो ये इससे आ जाएगा मैच कर जाएगा। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, तो यही दो हमें आ रहा है, देखते हैं हमारा दो से काम बन रहा है, ए वाला एक पर और सी वाला दो पर, तो यस हमारा दो से काम बन गया, हमें यही दो ही आ ही रहा था इस समय, फिर भी हमने अपना काम बना लिया विकल्प को देख कर, तो हमने देख लिया हमारा सी उत्तर होगा। आगे चले और इस हिसाब से अपना आप और सभी मैचिंग कर लीजिएगा। आगे चलें हमारा कौन सा था 87 में देखते हैं क्या है, महारत्न कंपनियां कितने रुपए तक का निवेश स्वविवेक से कर सकती हैं, तो महारत्न कंपनियां अपने मन से कितने का निवेश कर सकती हैं, यह दिया है 1000 करोड़, 500, 10000, 5000 करोड़, कितना, तो ऑप्शन नंबर 5000 करोड़ तक कर सकती हैं। अब देखें भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कहाँ क्षेत्रफल के दृष्टि से सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन मेरे भाई सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में पाए जाते हैं, 88 का उत्तर जो हमारा है ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, तो मैंग्रोव वन जो है वो जो खारी जल में उगता है ये,
अनुकूल होता है वहाँ पर। आगे चले हम लोग, देखते हैं यहाँ पर भी अच्छा प्रश्न आ गया मैचिंग वाला। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ शीर्ष उत्पादक देश, किस खनिज का कौन सा देश शीर्ष उत्पादक है? तो प्राकृतिक गैस यहाँ पर दिया है, प्राकृतिक गैस सबसे ज़्यादा कौन, अमेरिका है। नेचुरल गैस सभी को मालूम है, नेचुरल गैस लौ अयस्क जो है, लौ अयस्क सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया उत्पादन करता है, टॉप पर है। स्वर्ण जो है, सोना सभी को मालूम है, चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और बचा एक हीरा, हीरा तो रूस करता है। देखें डी वाला हमारा एक पर गया, ए वाला चार पर गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यही सेट हो रहा है, सी उत्तर होगा। तो 90 देख लेते हैं, 90 में क्या कह रहा है मेरे भाई, 90 में कह रहा है कि हम कथन दिए हैं आपको और कारण दिए हैं, इन्हीं को पढ़कर सही उत्तर दे दीजिए। तो चलो हम पढ़ लें कथन को। मुद्रास्फीति की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित माप थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित माप से अधिक व्यापक है। जी ऐसा ही है, सही बात है। कारण, थोक मूल्य सूचकांक आधारित माप में सेवाओं की कीमत में परिवर्तन को शामिल नहीं किया जाता है। जी इसीलिए, तो इसलिए दोनों के दोनों कथन और कारण सही है, कारण उसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए सत्य है। आगे देखें हम लोग 91 में, निम्नलिखित में से किस एक संस्था का उद्देश्य सामान्य व्यापार में मात्रात्मक परिवर्तनों को निषिद्ध करना है? तो किस एक संस्था का उद्देश्य सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध यानी मना करता है? WTO, ये IDA, IMF, ICF, तो यानी 91 का जो हमारा होगा WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, यही जो संस्था है व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों का उपयोग को निषिद्ध करता है। अभी जो भारत राशन इतना देता है 80 करोड़ लोगों का, इसका भी वहाँ मामला चल रहा है, तो ऐसे आप लोग समझ जाएंगे यही है। तो क्या है 92 में, आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणी विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था। तो आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था मेरे भाई, आप लोग को मालूम होगा कि ये लास्ट पंचवर्षीय योजना जो थी अपनी 12वीं, तो ये ऑप्शन नंबर सी 11-12 में जोड़ा गया था। तो आगे हम लोग चलें, आगे देखते हैं क्या है हमारा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं पर ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित संस्थान और संबंधित खनिज। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित संस्थान है, दूसरी तरफ खनिज है, तो उससे संबंधित जो मिसमैच है उसी को बता देना है। तो बीपा बॉक्साइड उत्पादन करता है, ब्रोकन हिल जस्ता चांदी, पिलबरा लौ अयस्क, ये तीनों के तीनों सही हैं, डी वाला गलत है। क्यों गलत है मेरे भाई? ये जो ऑस्ट्रेलिया में बीपा, ये तो मालूम होगा, और ये जो ओलंपिक डेन खान है, आपको बता रहे ओलंपिक डेन खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए नहीं, किसके लिए, यूरेनियम। आगे चले हम लोग 94 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दो कथन है, इन्हीं को पढ़कर बताइए कौन सा सही है। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? जी बिल्कुल, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरती है, भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आप लोग देख लीजिएगा। मिजोरम की राजधानी आइजोल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। 94 वाला हमारा उत्तर केवल एक होगा, ये गलत है, मिजोरम की राजधानी आइजोल के दक्षिण से नहीं गुजरती है मेरे भाई, तो ये भारत से होकर गुजरती है, तो मालूम है जो बराबर भागों में बांटती है, 8 राज्यों से गुजरती है तो पता है। और मिजोरम की राजधानी आइजोल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, न कि दक्षिण में, तो यहाँ पर ये गलती कर दिया, इसीलिए यह गलत हो गया।
आगे बढ़ें 95 में, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट, कश्मीर, हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय, थार मरुस्थल, कहाँ पाई जाती है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर ये बी, जो कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय में पाई जाती है करेवा भूमि। आगे बढ़ें, देखें यहाँ पर हमारा 96 वाला जो क्या कह रहा है, सिंधु नदी बहती है, तो सिंधु नदी बहती है किनके किनके बीच बहती है यही हमको बताना है। तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य, यलजे श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी बहती है, तो 96 का हमारा उत्तर यही हो जाएगा। तो 96-97 वाला देखते हैं हम लोग, तो 97 में क्या है, एक सूची है, दूसरी सूची है, मिलाकर हमें उत्तर बताना है। तो शिलांग पठार, तो शिलांग पठार पर जो है कौन सा मानसून वन पाया जाता है, तो ये बताना है यहाँ पर शिलांग पठार पर। तो आपको मालूम होगा शिलांग पठार पर उष्णकटिबंधीय सदाहरित यानी सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये कहाँ है, ये यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। पश्चिमी घाट का जो ढाल है मेरे भाई, पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं वहाँ। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं, आर्द्र मानसूनी वन। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है ये पाया जाता है ज्वारी वन। और एक बचा है पश्चिमी घाट, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन। तो ये जो हमारा हो जाएगा, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा उत्तर होगा, 97 वाले का हमारा हो जाएगा सी, यानी A2 पर, B4 पर, सॉरी यहाँ B4 पर होगा। सत्तानवे का हमारा उत्तर सी होगा, और ये ए वाला तो 2 पर आएगा, ए वाला 2 पर चला आएगा, बी वाला 1 पर चला जाएगा, और सी वाला 4 पर, और ये डी वाला 3 पर, ये होगा सही। आगे बढ़ें 98 में, देखें यहाँ पर किया है धारणी विकास का लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहली बार प्रस्तावित किया गया था। तो पहली बार मेरे भाई ये प्रस्तावित किया गया था डी में, यहाँ पर रियो 20 सम्मेलन 2012 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखें 99 में, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इन चारों में से, उसी को बता देना है। पारिस्थितिकी तंत्र एजी टांसले से संबंधित है, ये तो सही बात है 99 वाला। 10% का नियम ओडम ने नहीं दिया था मेरे भाई, ये जो 10% का नियम है, ऊर्जा जो एक जीव से दूसरे जीव में जो 10% ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है, तो ये जो है लिंडमान द्वारा दिया गया था। लिंडमान, तो ये ही हमारा गलत था, और बाकी सब सही है, अनुक्रमण क्लीमेंट और बायोडायवर्सिटी रोजन। आगे देखें 100 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है हमारा दिए हुए दोनों कथनों में से, उसी को पढ़कर हमें सही उत्तर को दे देना है। IUCN प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्य करता है, एक तो ये कथन है, तो ये कथन तो सही है, इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं लग रही है, सही कह रहा है, प्राकृतिक संसाधनों के सतत क्षेत्र में कार्य करती, सही है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, तो नहीं मेरे भाई, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। आपको बता दें यह रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN जो है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, बल्कि यह संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक पर्यवेक्षक और ये आधिकारिक रूप का एक दर्जा प्राप्त है, लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो साथियों यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन देख लिया है, और वीडियो बड़ा न हो जाए इसके लिए हम लोग
50 क्वेश्चन जो अभी 150 हैं, इसमें करंट अफेयर भी होगा और कुछ टॉपिक हैं, तो इसको हम लोग सेकंड क्लास में देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, अपलोड होने में प्रॉब्लम हो गई और आपको देखने में। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करने के लिए कहेंगे। तो चलते हैं, हम लोग मिलते हैं सेकंड क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।